मैं मंच को नमन करता हूँ, मेरी मातृशक्ति को नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं इस एरिया से नहीं हूँ, मैं दूर से हूँ। मुझे गोवर्धन जी भाई साहब ने बताया कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है तो आपको आना है। मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे थोड़ी राजस्थानी कम आती है, आपकी भाषा कम आती है, लेकिन मैं आप तक जुड़ने की मैं कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहले मैं साहित्य की भाषा में लिखता हूँ तो मैं चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, इनके स्वागत और एक सम्मान में बात कहता हूँ। वीर रस का जो कवि वीरता की बात करे, थोड़ी देर के लिए ही वीर बन जाइए। और वीर रस का जो कवि वीरता की बात करे, थोड़ी देर के लिए ही वीर बन जाइए। और करुण कहानी कोई कोई करुणा का कवि, नैन भर नयनों में जल भर लाइए। अरे हास्य रस का हो कवि, कविता सुनाने को तो हास्य रस का बड़ा घर बनाइए। मोदी की जीत की उलकता चाहते तो खुलकर जोरदार तालियां बजाइए, खुलकर जोरदार तालियां बजाइए। मैं मेरा आत्म परिचय देता हूं। अरे कवि हूं, कबीर की परंपरा का दीपक हूं, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूं। मैं सच कहता हूं, उस परमपिता परमात्मा ने सच कहने की हिम्मत दी है। और कवि हूँ, कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। और सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, कमजोर लेखनी को करता नहीं हूँ मैं। और लेखनी उठाई मैंने जब की बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान बोलने लगा। और चोली बिंदिया के गीत मैंने कभी गा सकूंगा, सोच सोच कर स्वाभिमान बोलने लगा। अरे देश की घिनौनी राजनीति देख देख गांव की कतारू अब रक्त खोलने लगा। अरे कामनी के नयन को भूल गया और मेरा, रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा, रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। आपकी तालियां मेरे को ऊर्जा देती है, तो एक बार जोरदार ताली बजाओ तो अब मैं काव्य पाठ शुरू कर सकूं। इस वीर भूमि राजस्थान में मैं आपके हूं। इस भूमि को भाई साहब ने मेरे को बताया कि आज मोदी जी की बात है, मैं मोदी जी की विजय की बात कर रहा हूं, वहां राष्ट्रवाद की बात जुड़ती है। चुनाव किस पे था? राष्ट्रवाद और आतंकवाद पे था। देश सर्वोपरि होता है, वेद कहता है माता भूमि पुत्रो हैं पृथिव्या, यानी भूमि मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूं। कहीं पन्ना धाई अपने इकलौते पुत्र चंदन का इसलिए बलिदान कर देती है कि इस राष्ट्र का उत्तराधिकारी उदय सिंह बचे। तब कहीं कविता की चार पंक्तियां आपके राजस्थान के आंगन से उठाता हूं, तब कहता हूं, खोलता हुआ रगों में राणा और शिवाजी वाला, खोलता हुआ रगों में राणा और शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। अरे पन्नादाई हाड़ा रानी का ये बलिदान देसी, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। अरे शेखर सुभाष अफ साखी धरा है यहाँ, शेखर सुभाष अफ साखी धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। अरे 125 करोड़ जनता के दिल में लहरता है लाडला तिरंगा, कभी झुकने न पाएगा, लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा, क्योंकि हमारे लिए तिरंगा सर्वोपरि है और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। किसी वंशवाद के लिए उनका परिवार इंपॉर्टेंट है। कैसा परिवार? किसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है? देश पहले बढ़ना चाहिए, महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ गई है। तब कहता हूं, मेरे को समय 15 मिनट दिया गया है, मैं 15 से 16 नहीं करूंगा, 14 भी नहीं करूंगा, पूरी लूंगा। कहते हैं, परिवार का ठप लगने से कोई खास नहीं होता। अगर एक व्यक्ति किसी खास परिवार का नहीं होता तो इसको कोई नहीं पूछता। तब कहता हूं, परिवार का ठप्पा लगने से कोई खास नहीं होता, ओदा बड़ा होने से कोई बाप नहीं होता। ये लोकतंत्र की गिरावट और क्या कहें, चमचागिरी करने से पप्पू पास नहीं होता, चमचागिरी करने से पप्पू पास नहीं होता। फैल हुआ है, नीतियों से फैल हुआ है। अभी राजस्थान में जोधपुर में बहुत ही प्रशासन ने अपना काम किया,
बहुत प्रताड़ित किया। तो हम लोग घूम रहे थे तो एक थानेदार साहब ने गधे को सलूट मार दी। मैं डर गया, मैंने थानेदार साहब से पूछा, थानेदार साहब ये क्या कर दिया आपने? तो उसने मेरे को जवाब दिया, वर्तमान में राजस्थान की सरकार है वो क्या करती है। मैंने पूछा, गधे को सलूट देने की वजह पूछी मैंने, गधे को सलूट देने की वजह पूछी मैंने। थानेदार बोला, ये बहुत काम आएगा, राजस्थान की राजनीति इनसे ही चलती है, कल ये चुनाव में उतार दिया जाएगा और जीत के चुनाव जब जरूरत पड़ी तो सरकार में ये मंत्री बने जाएगा। अरे जिस दिन दिया मैंने गधे को सलूट, मुझे सीधा थानेदार से डीएसपी बनाएगा, सीधा थानेदार से डीएसपी बनाएगा। ऐसी हमारी परंपरा हो गई है यहाँ की। तब कहता हूँ देखो, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। मैं जब जब देश को जरूरत पड़ी कि आज एक टुकड़ा टुकड़ा गैंग दिल्ली में चलती है, हम लोग उसके विरोध में गए। वो क्या करते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, अगर कोई व्यक्ति अगर ये कह दे तो आग लग जाती है। और देश की किसी प्रमुख पार्टी का व्यक्ति ये कह दे कि नहीं आप लोग तो, आपके हम साथ में खड़े हैं, तब दुख होता है महोदय, दुख होता है। एक नौजवान पीढ़ी को मेरा एक दर्द है, मैं वो दर्द आप तक पहुंचाता हूं। खून से सने जो हाथ उनका दिया है साथ, किसका साथ दे रहे हो आप जिन्होंने भारत की संसद पे हमला किया? खून से सने जो हाथ उनका दिया है साथ, आपको तो न्याय का भी ध्यान कुछ ना रहा। और जिसने उजाड़ी कोक सैकड़ों सुहाग लूटे, उसे अपताई से महान कुछ ना रहा। और मंदिरों हुआ है लोकतंत्र का लहू लुहान, शहीदों के घर का भी ध्यान कुछ ना रहा। और जिसने उजाड़ी कोक सैकड़ों सुहाग लूटे, उसे अपताई से महान कुछ ना रहा। जिनके सफेद विश्व भारती छलकती है, क्या है ये, जिनके सफेद विश्व भारती छलकती है, कर के प्रहार वो विषैले गट्ठे फोड़िए। अरे क्रांति के बिना कभी शांति नहीं संभव है, भ्रांति में भटकते विचार रथ मोड़िए। अरे हाथ मत जोड़िएगा क्रूर का तेलों के आगे, मोदी जी को कहना चाहता हूँ, हाथ मत जोड़िएगा क्रूर का तेलों के आगे, वक्त की है मांग इन्हें तोड़िए मरोड़िए। अरे फांसी पे चढ़ाने की ही जरूरत ही कौन सी है, इन्हें मुठभेड़ में ही जिंदा मत छोड़िए, इन्हें मुठभेड़ में ही जिंदा मत छोड़िए। एक घटना राजस्थान में घटी थी, एक शहीद की पत्नी अपने पति को कंधा दे रही थी। ये राष्ट्र की, इस देश की सबसे बड़ी घटना थी, ये मेरा दर्द बता रहा हूँ आपको, आपके बीच में आया हूँ, जागरण का समय है, लेकिन एक राष्ट्र भी अपने अपनी जगह रखता है। देश की बात करता हूँ, तब वो कहती है, बेटी क्या, वो क्या नहीं कर सकती आजकल बेटी, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, बेटियां ओ साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुवान को उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं हर क्षेत्र में, शक्ति आज मानने लगी बेटियां। और वीर की शहादत पे अरथी को कांधा देने, शमशान तक जाने लगी बेटियां, शमशान तक जाने लगी बेटियां। और इन बेटियों को समर्पित, इन बहनों को, इन माताओं को समर्पित एक छोटी सी कविता करके मैं अपना मंच जगह लूंगा। मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, इन बेटियों को बचाना है। इस मातृशक्ति माता भूमि पुत्र है, माँ आता पहले, इस माँ को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है तो सबसे पहले माँ का सम्मान करना है। माँ बहन बेटियों का सम्मान नहीं करेंगे, उनको उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा व्यर्थ। तब कहता हूँ बेटियों के लिए, मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर से मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है, भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर में, घर की पुरानी खिड़कियां खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है,
बेटियों ने हरदम घर का नाम हमेशा रोशन ही किया है। वक्त पर मीरा बनकर जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है। जाके नासा में सितारा आसमां में वो आई है। एस बन सौंदर्य सारे जहां को जीत लाई। साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुल्लता मंगेशकर सुर के समंदर बोलते हैं। मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है बेटी, बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां सबसे बड़ा वरदान है। एक छोटी सी कविता, चार पंक्तियां, मैंने थोड़े दिन पहले शहीद प्रभु सिंह जी खिरजा में शहीद हुए थे तो उन पे वो एक कविता लिखी थी। सिर्फ एक भावना है, एक करुणा है, माहौल आपका संगीतमय था, मैंने एक काव्य में कर दिया है। वो घटना ऐसी घटना थी कि उस बेटे ने माँ को पत्र लिखा, कहा कि माँ तुम्हारा लाडला युद्ध में घायल हुआ, माँ तुम्हारा लाडला युद्ध में घायल हुआ, देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ, रक्त की होली रचाए मैं प्रणय कर दिख रहा हूं, माँ उसी श्रोणी से मैं तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मैं पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर मैं एक इंच पीछे न हटाता हूं। माँ तुम्हारी थी शपथ, मैं आज इंच इंच में बटा हूं, मैं इंच इंच में कटा हूं। उसका शरीर छिद विछिद कर दिया था। वो एक घर में घटना घटी ना, उस घटना को जोड़ते हुए एक बहन अपने भाई से कहती है, वो कितना जवान कितना हसीन थी, शादी पिछले साल हुई, दुल्हन को छोड़ चला लड़ने, बहना की आंखें लाल हुई। अरे उसका बहना से वादा था वो लाल चुनरिया लाएगा, ढूंढेगा प्यारा सा लड़का, ढूंढेगा प्यारा सा लड़का जिससे वो ब्याह कराएगा। वो हंसकर बोली भाई से, है सत्य मुझे प्रतियोन तुझे, पर भाई डोली मेरी उठे। कविता अब शुरू होती है। अरे भाई डोली मेरी उठे, तू रहना खड़ा जरूर यहां, आज उसी भाई की अर्थी दरवाजे पर आई है। बहना बोली रोते रोते, बहना बोली रोते रोते, माँ तुझको बहुत बधाई है, तेरे दूध की ताकत माँ भरत का भान हुआ ऊंचा, इसने भी दस को मारा है, इसने भी दस को मारा है, यूं दुख से सिर ना करो नीचा, ये इस धरती पर पला बड़ा और इस माटी पर सोया है, ओढ़ तिरंगा मिलने आया, अरे ओढ़ तिरंगा मिलने आया, सुन आसमान भी रोया है, ओढ़ तिरंगा मिलने आया। और अंतिम में पाकिस्तान को एक बात कहना चाहता हूं, अब तो इमरान साहब जान गए होंगे, अब भारत के आगे पाक टिक नहीं पाएगा। पता चल गया जो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक का मामला गड़बड़ है। अब तो इमरान साहब जान गए होंगे, अब भारत के आगे पाक टिक नहीं पाएगा। अरे हिंदुस्तानी भले घास की ही रोटी खाए, पर अपने स्वाभिमान पर वो मर मिट जाएगा। अरे भीख में मांगोगे तो हिम्मत मिलेगी कहां, युद्ध एक खारी बुरी तरह पिट जाएगा। अभी तेरी सचिवालय की भैंस बिकने को गई, अभी तेरी सचिवालय की भैंस बिकने गई, एक दिन पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा, एक दिन पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा। आपके स्नेह और प्यार को मैं नमन करता हूं। मैं एक बार नारा लगाता हूं, भारत माता की, आवाज उधर जानी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आपको पुनः मेरा बहुत बहुत प्रणाम।